कहीं मैं बैठा हूं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और माननीयवर उसी स्थान पर जी जी हाँ रखता हूँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे आप रखता हूँ आप दादा। माननीयवर उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि सब जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है माननीय। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। माननीय मैं तो नहीं बैठा, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर ठाकुर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण माननीयवर इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात माननीय, दूसरी बात कि जो इस सदन में नहीं है इसका उल्लेख, अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते, इसका उल्लेख यहां पर नहीं होता है। जो सदन में नहीं है उपस्थित उसके नाम का उल्लेख करना यहां मर्यादा होती है, फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है, मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे, कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये दोनों बातें सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठी है, ये दादा टीचर बन रही है, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूँ। माननीयवर इसको आपके घर आप प्रोफेसर में बैठ जाइए। माननीयवर मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने के लिए मैंने जो ये बात करी है ये फोटोग्राफ और शांतिनिकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए।